थाना क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने बताया कि एक चुनावी रंजिश के चलते उसके मासूम और नाबालिग बच्चों को फंसा दिया गया। पीड़ित ने यहां पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित परिवार है जो कि अनिल कुमार पुत्र उमेश चंद निवासी सिरौलिया थाना दन्नाहार का रहने वाला है। पीड़ित ने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि उसका 12 वर्षीय पुत्र छोटू और प्रशांत व अनिल कुमार के खिलाफ थाना दन्नाहार पर आईपीसी की धारा 147, 323, 427, 504, 506 के तहत गाँव के विपक्षी देवेंद्र पुत्र स्वर्गीय लोकमान सुभाष पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह करण सिंह पुत्र मंगली प्रसाद हरनाथ पुत्र बलवीर यादव द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकायती पत्र में उसने यह भी बताया है कि लोग ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़े थे और इनको वोट न देने के चलते यह रंजिश मारने लगे जिसके चलते ही उसके पुत्रों को झूठे मामले में फंसा दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। और क्या कुछ बताया यह जरा आप भी सुनिए। कहाँ के रहने वाले हो? सिरौलिया थाना दन्नाहार। क्या शिकायत एसपी साहब से लेके आए हो? ये है कि नाबालिग बच्चे खिलाफ पार्टी ने फंसा दिए और कैबिनेट मंत्री साहब का भी पैड आ चुका तो दरोगा जी अभिमन्यु हल्का SI से आए और गए कि 10,000 रुपये दो तब लड़के निकालेंगे और 191 में चालान कर देंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। और न डॉक्टरी मायना है 323 का, न फाउंडेशन पे इंजन है, खींचने वाले इंजन है, नाबालिग बच्चों का को निर्दोष थाने शिकायत वगैरह नहीं की इस मामले में खूब की कोई। अनिल जी आपके साथ ही साथी लोग आए हैं, किस गांव से आप आए हैं, क्या समस्या है? सिरौलिया से आए साहब, हमारे बच्चे धन्नाथ जिला मैनपुर। तुम मत बोलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरौलिया के रहने वाले हैं, थाना धन्नाथ जिला मैनपुरी। अच्छा SP कार्यालय आए हो? हाँ SP कार्यालय। हम जो दो तीन बार जो है एप्लीकेशन दी है, हमारे बच्चा जो है नाबालिग फांसे एक इंजन फंजन इन्हें पंटे 3 किलोमीटर दूर और जो है ये कही है कि जो है बच्चे पर अब 11 साल का हमारा बच्चा है और जो है 3 किलोमीटर रात को जाएगा। हमारे पास खुद था लेकिन जो है इन्हें इलेक्शन पे खड़े थे जी पहले प्रधानी पे, तब मान लो वोट नहीं डाले तो उस खिलाफत की वजह से हमारे बच्चे लिखाती है। कौन फंसा रहा है, क्या नाम है? उन्हें जो है एक जो है कल्लन है उर्फा हन्नाथ और जो है देवेंदर और सुभाष और करण सिंह। किस मामले में लिखवाया है, क्या इस मामले में? मतलब जो है कि इंजन इन्हें खुद पंट दे और इंजन की जो है तोड़ फोड़ लिखाई और इंजन वैसे सुरक्षित चल रही है, कोई बात नहीं है, जांच पड़ताल भी करी। अब जो है अब पुलिस के यहाँ गए, अब पुलिस जगह देगा जो है पैसे दो हम तुम्हारा फैसला कर देंगे। SP साहब से कितनी बार मिले हो आगे? SP साहब से आज हम कल हम गए तो कल जो है जगह के जो है आप थाने जाइए, थाने गए थे हमने कि हम गए थे जगह आज जाइए जो है कोतवाल साहब से जाइए तुम्हारा बच्चा निकल जाएगा। जब कोतवाल साहब से गए जगह ऐसे फोन तो आते ही रहते हैं तो हमने कही आज मिले हो, आज क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन? आज अभी नहीं हम मिले, आज हम बड़े साहब से मिलना चाहते हैं, पहले हम आए थे तो उन्होंने भी कही थी कि तुम्हारा बच्चा निकल जाएगा लेकिन अब पुलिस ने जाके हमारे फिवर फर तोड़े और जो है धमकी दी जगह के जो है कट्टा लगा के और जो है तुझे चालान कर देंगे, जमानत करवानी पड़ेगी तुझे। हमने कि साहब एक बात बता, जो बच्चे जमानत लायक है हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लायक है इसका डॉक्टर मायना नहीं है और जो है 323 जो है इन्हें लिखवाई है, इन्हें डॉक्टरी खुद करवाई ना, झूठे मुकदमा लिखवाए और बाकी बात जो है जब दरोगा जी गए तो हमने ये कही हमारी साहब जो है कि नहीं नहीं जमानत